हमारे साथ इस वक्त है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान सिंह बेनीवाल जी, जो यहाँ पे किसानों का समर्थन करने शाहजहाँपुर, जो कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के पास है, वहाँ आए हैं। बेनीवाल जी, आप पहले से कोटपुतली भी गए थे, आपने किसानों को किस तरह समझाने की कोशिश करी है, और आप एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं या आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं 3 कृषि कानून को लेकर? अभी तो खिलाफ ही खड़ा हूँ, सरकार के खिलाफ खड़ा हूँ, और हमने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था, जिस दिन तीनों कृषि बिल लोकसभा के अंदर पारित हुए उस दिन लोकसभा के अंदर मैं नहीं था, अगर उपस्थित होता तो निश्चित रूप से इन बिलों का विरोध करता, लेकिन बाहर से मैंने इनका विरोध भी किया, और पंचायत चुनाव होने की वजह से अभी हम सड़कों पर नहीं आ सके, और आज 15,000 से ज़्यादा नौजवान और किसान अंतिम छोर से लेकर वहाँ से सुबह से, और जिस तरह जिन जिन इलाकों से मैं निकला, किसानों का सैलाब, जवानों का सैलाब उमड़ पड़ा, और एक ही बात वो कह रहे हैं, कृषि कानून वापस होने चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, गृहमंत्री जी का 2 बार टेलीफोन मेरे पास रात को और दिन में आया था, और वो चाहते थे कि एक बार मैं उनसे मिलकर बात करूँ, तो मैंने इन सबको यही निवेदन किया कि भाई एक बार हमें बात करनी चाहिए, और अगर 7 दिन के अंदर मांग नहीं मानी जाती तो 2 लाख से ज़्यादा जवान किसान यहाँ इस बॉर्डर पर जुटेंगे। क्या आप एनडीए छोड़ने के लिए भी तत्पर हैं? हाँ, छोड़ देंगे बिल्कुल, अगर किसानों की मांगे नहीं मानेंगे तो एनडीए छोड़ देंगे। पर आप एक बात बताइए बेनीवाल जी, आप ही के एनडीए के सदस्य जो बीजेपी के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान का किसान इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। वो तो 25 सीट मेरी वजह से आई इनकी राजस्थान के अंदर, मेरे को वोट भारतीय जनता पार्टी ने दिलाए, और मैंने 16 जगह प्रचार किया था, अगर राजस्थान का किसान साथ नहीं दिए, कौन खड़े हैं यहाँ पे? देखो हजारों की तादाद में जो जूझ रहे हैं यहाँ पे, ये टेलर है, पिक्चर बाकी है, राजस्थान का किसान भी कृषि बिलों के खिलाफ है। पर किसके खिलाफ है? MSP ना लाने के खिलाफ ही, सरकार कह रही है कि हम अब लिखित में देने को तैयार है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब ज्यादा ऑप्शन होगा किसान के पास, आप चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो प्राइवेट वालों को बेचे, अब किसान की आमदनी बढ़ेगी, तो इस तरह समझाने की कोशिश भी करी जा रही है किसानों को, 6 बार वार्ता भी हो चुकी है किसानों के साथ। तीनों बिलों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसानों का फायदा हो, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बिल है तो उसमें कुछ स्टेट के अंदर ही होता है, लेकिन उसमें SDM को आपने प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया है कि किसान और कंपनी के बीच झगड़ा होगा तो SDM निपटाएगा, तो SDM तो उसकी बात मानेगा, नंबर एक। दूसरा, कालाबाजारी, जो स्टॉक सीमा आप ख़त्म करो तो कालाबाजारी बढ़ेगी, लोग मनमर्जी गुंडागर्दी करेंगे अपने, और तीसरा मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। तीनों ही बिलों के अंदर मुझे लगता है कोई फ़ायदा होगा, जीत छोड़ के तीनों बिल वापस लेके नया एक लाना चाहिए जिसमें न्यूनतम MSP को बढ़ाए, और तमाम जितनी भी फसलें और मसाले हैं उनको भी MSP के दायरे के अंदर लाके, और 25 क्विंटल का जो राइडर है कि 25 क्विंटल ज़्यादा खरीद नहीं हो सकती, उसको भी फ्री करें कि जितना भी किसान की पैदावार होगी वो सरकार खुद खरीदेगी, ये काम देश की सरकार को करना चाहिए। और सबसे अच्छा तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी लागू करें, जब धारा 370 हटा सकते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी इनको लागू करनी चाहिए। पर आप क्या कह रहे हैं कि क्या जो NDA के सहयोगी हैं उनसे ये बातचीत पहले नहीं हुई? हमसे तो कभी किसी बिल के बारे में बात हुई नहीं, और अगर अच्छे बिल ये लाए तो हमने उनका समर्थन भी किया बिलों का, आप देखते हो लोकसभा के अंदर हमेशा ये बिल किसान विरोधी है और हम इनका विरोध करते हैं। पर जैसे JJP के जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने कह दिया है कि मेरी बात हुई है सरकार से हुई है, मेरी बात राजनाथ सिंह से हुई है, 24 से 40 घंटों में हम समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, जब आपकी गृह मंत्री से बात हुई तो आपको किसी उम्मीद की किरण नजर आई? देखिए, मैं एक बार बात करने के बाद ही बता पाऊंगा, और हम भी कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहते देश की, ये हमारे, हम नहीं चाहते कि हमारी आड़ के अंदर कांग्रेसियों को दूसरे लोगों को कोई फायदा ना हो, ये हम कतई नहीं चाहते। कांग्रेस भी जिस तरह की बातें करी तो कांग्रेस ने कौन सा किसानों का भला किया, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी को देश ने स्पष्ट बहुमत 2 बार दिया, हर परिस्थिति के अंदर देश का किसान खड़ा रहा, और राजस्थान हरियाणा में तो 10 और 25-35 सीट मिली, और यहाँ 25 सीट जो राजस्थान में मिली है उसमें NDA पार्टनर होने के नाते हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि गृहमंत्री जी जो उनके सम्मान में आज तो हमने वापस ये कहा भाई सब अपने घरों को लौटें, लेकिन 7 दिन बाद फिर हम जाएंगे नहीं, मांग कल दिल्ली चलो जो नारा लगा है किसान के दूसरे ग्रुप्स का नारा लगा है, दिल्ली में टोल प्लाजा पे जाएंगे, वैसा करेंगे? देखिए, मैंने सात दिन की बात कही है, उसके बीच में अगर कोई मेरी बात होती है बात करूंगा, नहीं तो कल हम तारीख तय करके और 7 दिन बाद लाखों की तादाद में जुटेंगे।